हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम कम मिट्टी में हमारे ग्रो बैग को कैसे भर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रो बैग है, ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 18, इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 24 है। तो ये हमारा बड़ा ग्रो बैग है, हम इसमें बड़े पौधे लगा सकते हैं और अब हम इसे भरेंगे। क्योंकि ये जो ग्रो बैग है ये हमने खुद ही बनाया है घर पर, राइस बैग से जो चावल के बोरे होते हैं हमने उसे इसे खुद ही तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसे भरते हैं। तो हमने इसमें इसके नीचे तले में हमने छोटे छोटे 5 से 6 होल कर लिए हैं और उसके बाद हमने साइड में भी कुछ छोटे छोटे होल्स में करे हैं और उसके बाद उन होल्स के ऊपर हमने नारियल के जो छिलके हमारे पास पड़े हुए थे तो हमने वो इसमें रख दिए। ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा रहेगा। और उसके बाद हमने ये जो लकड़ियाँ यहाँ पर हैं, ये लकड़ियाँ इस नारियल के छिलकों के ऊपर हम इन लकड़ियों को तोड़ करके इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें इसे जमाते जाना है। और ये भी हमारे जो पौधे की हमने कटिंग करी थी तो वो सारी पड़ी हुई लकड़ियाँ थी और ये सूख गई हैं बहुत अच्छे से, तो अभी आसानी से टूट जा रही हैं। आपके पास अगर ये हरे भी हों, अगर इस तरह से कटिंग हो पौधे की, हरी कटिंग हो, ताजी कटिंग, तो फिर वो भी आप इसमें रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसे जो भी लकड़ियां थी इसमें डाल दी हैं। कमल के पौधे का वेस्टेज है, जो पुराने पत्ते सड़े गले पूरे थे, काई वगैरह निकाल करके हमने रखी हुई है, हमने इसी इस ग्रो बैग के लिए ही यहाँ पर रखा हुआ है और अब हम इसे इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें जो वाटर प्लांट्स के जो वेस्टेज होता है वो हमने इसमें डाल दिया है और हमें इसे थोड़ा सा हाथ से दबा देना है क्योंकि ये पत्ते काफ़ी ऊपर की तरफ रहते हैं और लकड़ी के कारण ये बहुत नीचे तक नहीं जाते। चलिए, आप इसे दबा देंगे तो ये बहुत अच्छे से इसमें सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये बैग है लगभग आधा भर चुका है। इसमें वही कचरा डालना है जो कि डीकम्पोज हो सकता है, जैसे कि पौधे के पत्ते, लकड़ियाँ और वाटर प्लांट्स के पुराने पत्ते, एल्गी वगैरह, ये चीज़ें आपको डालना है। और उसके बाद हम इसमें अब मिट्टी डालेंगे। इसी तरह से बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते रहना है, जैसे कि हमने इतना सारा इसमें जो है पत्ती वगैरह डाल दिया है तो उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद हम फिर इसमें इसी तरह से पत्ते, लकड़ियाँ वगैरह डालेंगे। तो हमने इसमें मिट्टी की एक लेयर बिछा दी है और अब हम इसमें फिर से ऊपर जो पत्ते वगैरह हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पत्ते डालेंगे, ये सूखे पत्ते हमने इसे बैग में रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये पत्ते डालने के बाद हमने इसमें मिट्टी भी डाली है तो हमें इस तरह से बैग को थोड़ा सा उठा करके इस तरह से कर देना है, तो क्या तो ये सारे पत्ते और मिट्टियाँ आसानी से पूरी नीचे तक बैठ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये बैग देख सकते हैं आप, इतना हमने इसमें भर दिया है। उसके बाद हमने अभी इसमें फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उसके बाद अब हम इसमें ये जो चाक होती है, चींटी पाउडर नहीं था हमारे पास, इससे चींटियाँ भाग जाती हैं, तो हमने इसमें ये चाक ही चक्कू से घिस करके इसमें छिड़क दिया है। ये देखिए, इस तरह से लक्ष्मण रेखा नाम से ही आता है, कॉकरोच चींटी सभी के लिए, तो हमने इसी की चींटियों के लिए ये डाल दिया है और अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए फाइनली हमारा जो ये ग्रो बैग है यह पूरी तरह से भर चुका है, अब ये पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, उसके बाद हम शाम को इसमें पौधा लगा देंगे। ऊपर से एक बार फिर हमें इसमें कुछ चींटियाँ दिख रही थी तो उसके लिए हमने इसमें ये चाक वापस से थोड़ी थोड़ी इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।